हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनुज कॉर्नर। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट चना दाल का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं हमें बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। चना दाल हलवा बनाने के लिए मैंने चने की दाल को अच्छे से धो के साफ़ करके पानी निचोड़ के रख लिया है। एक कटोरी चीनी, उसको मैंने दर पीस लिया है, इलायची पाउडर, किशमिश और बादाम, इनको मैंने काट के रख लिया है, और दो कटोरी दूध लिया है। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच देसी घी लिया है, आप चाहो तो कोई दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैं दाल को भूनने के लिए डाल रही हूँ। दाल भूनने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब तक हम इसे भूनेंगे। चना दाल का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप अब ट्राई करेंगे तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको हलवा कैसा लगा। अभी हमारी दाल बुन गई है तो मैं इसे निकाल रही हूँ। ठंडा होने पे दाल को मैं पीस रही हूँ, यानी इसको दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अभी उसी कढ़ाई में उतने ही तेल में मैंने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट होने के लिए डाल दिया है। ड्राई फ्रूट्स भुजने के बाद मैं इनको निकाल रही हूँ। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच देसी घी और डाला है। अभी मैं इसमें चना दाल ऐड कर रही हूँ, जिसका मैंने पाउडर बनाया था। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे बताइए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो आप मुझे वो भी बताइए, तो मैं कुछ इम्प्रूव करूँ इसमें। अभी चना दाल हमारी भुज रही है, देखिए भुज गई है अच्छे से। तो अभी मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। आप चाहो तो घी थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, मुझे कम घी में बनाना था इसलिए मैंने थोड़ा कम घी डाला। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैं इसमें जो बचा हुआ दूध है और चीनी है वो भी ऐड कर दूंगी। अभी मैंने चीनी डाल दी है, उसको अच्छे से मिला लेंगे। चीनी मिल गई है, अभी मैं बचा हुआ दूध भी इसमें ऐड कर रही हूँ। हमारा दूध ऐड हो गया है, अभी इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, हमारा हलवा अच्छे से मिल गया है। अभी इसको तब तक हम हिलाएंगे, तब तक पकाएंगे जब तक कि ये साइड से घी ना छोड़ दे। इसको हम पकाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसने किनारे छोड़ने शुरू कर दिए, हलवे ने घी छोड़ दिया है। और इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा हलवा दिख रहा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अभी मैं इनमें जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स ऐड हो गए हैं, अभी मैं ड्राई फ्रूट्स को मिला लूँगी। हमारा हलवा रेडी है खाने के लिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।